जय श्री साईं। आज हम सभी भक्तगण जो यहाँ पर पहुँचे हैं NCR से, दिल्ली से, विशेषकर गाजियाबाद साईंगाम सपनावत से, तो बड़े सौभाग्यशाली हैं कि नव वर्ष पर बाबा ने यहाँ बुला लिया। क्योंकि कोरोना काल में जब 15 मार्च को ये सीढ़ी क्षेत्र की परिक्रमा का समापन हुआ था, उसी समय से लॉकडाउन लग गया था और पहला कार्यक्रम आज शुरू हुआ है जो बाबा का 72 घंटे की प्रथम समाधि उत्सव है, जिसमें करीब 500 भक्तगण यहाँ पर आए हुए हैं। और चूंकि बाबा ने 1886 में मार्च शीर्ष की पूर्णिमा को 72 घंटे की समाधि ली थी, और यह बाबा के जीवन काल का सबसे महत्वपूर्ण घटनाक्रम है, क्योंकि बाबा शरीर को छोड़ करके वापस फिर आ गए थे। तो भक्तों के लिए यह समय सबसे बड़े गम का उस समय और सबसे बड़ी खुशी का था। तो हम भी उसी को एहसास करने के लिए सन 2011 से आकर के मार्गशीर्ष की पूर्णिमा को ये 72 घंटे का नाम जाप करते हैं और सीढ़ी क्षेत्र की परिक्रमा करते हैं। और यह सीढ़ी क्षेत्र की परिक्रमा अपने में बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह तीर्थों का तीर्थ है। इसलिए जो भी भक्तगण यहाँ आते हैं, वो यदि बाबा की विशेष कृपा का पात्र बनना चाहते हैं, तो उन्हें इस सीढ़ी क्षेत्र की परिक्रमा जरूर करनी चाहिए, क्योंकि बाबा जगह जगह इस गांव के इस क्षेत्र में बाबा घूमते थे। और तीर्थों का तीर्थ है, परिक्रमा का बहुत बड़ा महत्व है। चूँकि समय का अभाव है, पूर्ण रूप से आप शास्त्रों में भी आप इस पढ़ सकते हैं कि परिक्रमा से हमें क्या शक्ति मिलती है, क्या आध्यात्मिक उन्नति होती है। आज चूँकि नव वर्ष आने वाला है, 31 दिसंबर है, और बड़े हम इसके लिए बहुत ही अंदर से खुश हैं कि मार्गशीर्ष की पूर्णिमा के जो 72 घंटे हैं नए वर्ष पर वो पूरे हो रहे हैं, मतलब नया वर्ष शुरू हो रहा है। तो मेरा सभी भक्तों से ये अनुरोध है कि इन 72 घंटे में तो आप बाबा के बिल्कुल करीब रहेंगे, साथ साथ जब भी आएँ सीढ़ी क्षेत्र की परिक्रमा जरूर करें। और एक विशेष घटनाक्रम है जो यहाँ के भक्तों से मालूम चला है कि आज से 108 वर्ष पहले बाबा ने एक महिला भक्त का बहुत अच्छे ढंग से मध्याह्न आरती के बाद सम्मान किया था। इसलिए आज के समय भी जो भी भक्तगण किसी भी पूजा कार्यक्रम में हैं, केवल पुरुष प्रधान समझते हैं, वो ना समझ करके महिलाओं का भी विशेष स्थान इस पूजा अर्चना में बाबा के में मिलना चाहिए। और जो भक्तगण इस तरीके से सम्मानित करते हैं, तो बाबा उनसे बहुत खुश होंगे, क्योंकि बाबा ने स्वयं यह किया था। तो मेरा सभी भक्तों से अनुरोध भी है, और चूंकि मैं बाबा का एक भक्त हूँ, और चूंकि ये विशेष कार्यक्रम जो बाबा का इस समय चल रहा है, 72 घंटे का जो महोत्सव है, हमारे हम सब भक्तगण मिलकर कर रहे हैं, तो इसमें जो भी भक्तगण आए हैं उनके लिए मैं बहुत बाबा से प्रार्थना करता हूँ कि बाबा की विशेष कृपा उन पर बनी रहे। और यहाँ के जो भक्तगण हैं या यहाँ के ग्रामवासी हैं, उनसे भी मेरा उनको भी मैं नमन करता हूँ, क्योंकि वो बाबा के बहुत करीब है। सीढ़ी क्षेत्र ये तीर्थों का तीर्थ है, तो ये इस पूरे क्षेत्र की परिक्रमा यदि आप करते हैं तो सभी तीर्थों का लाभ आपको मिलता है। तो जो भी भक्तगण सीढ़ी में आते हैं, वो बाबा के दर्शन के बाद जरूर इस सीढ़ी क्षेत्र की परिक्रमा करें। ये करीब करीब वैसी ही परिक्रमा है जैसे गोवर्धन की परिक्रमा होती है। तो करीब करीब ये 14 से 18 किलोमीटर की परिक्रमा है, और इसमें 3-3.5 घंटे लगते हैं। जितने भी महत्वपूर्ण स्थान हैं इसमें सभी आते हैं, जहां बाबा विशेषकर जाते थे, बाबा विचरण करते थे। तो आपको बहुत विशेष कृपा होगी, आज जो है संस्थान की तरफ से भी और ग्रामवासियों की तरफ से भी, नगर पालिका की तरफ से भी, ये पूरा क्षेत्र की जो परिक्रमा मार्ग है वो पूरा पक्का हो चुका है, और दोनों तरफ पेड़ लगाए जा चुके हैं, और उसकी रोशनी की जो है प्रबंध हो चुका है, जगह जगह पानी की व्यवस्था भी है। तो जब भी आप आएँ तो सीढ़ी क्षेत्र की परिक्रमा जरूर करें। जय श्री साईं, जय श्री साईं।